Pakistan, you're going to Pakistan? Yes. You are doing world ride on cycle? Yes, sir. Lovely good morning to my lovely MS from Karu. और अभी हम इस होटल में रुके थे। अभी ऐसी वाइब आ रही है कि किसी कजिन के शादी में आए हैं, ऐसी टाइप की वाइब आई। और सब लोग अभी हो गए हैं पैक्ड अप। क्या ब्रो? यस, एक नंबर का थर्ड क्लास होटल, टू बी ऑनेस्ट। आ रहे हो करू तो यहाँ पे रुकना मत। होटल का नाम क्या है? छोड़ करो, वो ऑटोमेटिक उनका ये हो जाएगा, वो देने का नहीं है। एक नंबर का थर्ड क्लास होटल है, सर्विस तो है ही नहीं। इधर पानी गंदा इतना दिया कि पूछो मत। चाय के पतीले में पानी डाल के दिया लोग ने। निकलते हैं। आपके होटल का नाम क्या है? होटल का नाम क्या है? होटल का नाम नहीं है। होटल का नाम नहीं है? देखा गाइस, तो अभी बाहर जाके बात करता हूँ। इतना मतलब बुरी सर्विस मिली है ना यहाँ पे कि पूछो मत, अच्छी सर्विस है ही नहीं। होटल के ओनर अभी होटल का नाम भी नहीं बता रहे। एनीवेज, तो आप समझ सकते हो कि कितनी गंदी सर्विस रहेगी यहाँ पे। तो अभी बज गए हैं 8:30 इन द मॉर्निंग और कुछ भी करके आना ली, स्ट्रेच करना है। स्टेशन आए हैं और इधर मेरी ड्रीम बाइक खड़ी है 1250 BMW। दिस इज़ माई ड्रीम बाइक गाइस। एक दिन मैं ये गाड़ी लेके यहाँ पे ही रहूँगा, वो दिन भी दूर नहीं। ग्रुप बन गया है। ग्रुप का क्या है? भारत माता की। धीरे धीरे अपनी जो अभी जर्नी है लद्दाख की वो अभी ख़त्म होते जा रही है और मैं लद्दाख को मिस करूँगा क्योंकि आज शायद से मैं लद्दाख छोड़ दूंगा और हिमाचल प्रदेश में रहूँगा, लाइक मनाली। नाउ लेट्स सी कि मनाली हो पाएगा कि नहीं आज एक दिन में मनाली हो पाएगी क्योंकि अभी बज ही रहे हैं 9:30 और गूगल मैप्स बता रहा है कि 10 घंटे में तुम पहुँचोगे। सो या भी होते पर लद्दाख में खड्डे देखो, स्क्वायर शेप में खड्डे हैं यहाँ पे। देख रहे हो, कुछ अजीब ही पहाड़ है ना ये, अजीब अजीब। लाइक इधर लद्दाख में ना हर पहाड़ आपको सेम नहीं लगेंगे, हर पहाड़ों का अलग अलग शेप है यहाँ पे। आज एक दिन में मनाली पहुँचने का प्लान था बट वो प्लान हो गया चौपट क्योंकि हमें जो एक राइडर्स मिल गए हैं उन्होंने कहा कि आप एक दिन में नहीं कर पाओगे क्योंकि ऑन द वे तांगलांग ला फिर 22 घाटा लूप्स लगेंगे जिससे हमारी जो स्पीड है वो बहुत ही स्लो होगी। एंड या अभी सोच रहे हैं कि नेक्स्ट जो स्टॉप है वो आगे सरचू में ले। नाउ लेट्स होप फॉर द। दिल्ली के बाद एक नंबर मैंने पराठा खाया है आंटी के पास और आंटी की खास बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पूरा होटल ना आंटी ही संभाल रही है। तो जब भी आप मनाली रूट से जा रहे हो या फिर आ रहे हो तो यहाँ पे जरूर आना, आंटी को थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी। और आंटी क्या नाम है जी आपका? जी मेरा गुलजान रोलमा है जी। अच्छा, और कब से कितना साल हो गया आपको ये करते? मेरे को बहुत साल हो गए, 20 साल। अकेले कर रहे हो आप? हाँ, हमारा हस्बैंड है। अच्छा, तो आप दोनों कर रहे हो। हाँ। चलो अच्छी बात है। जब भी गाइस आप मनाली से आगे ले जा रहे हो फिर ले से मनाली आ रहे हो तो आंटी के पास जरूर रुकना और ये बस और यहाँ का पराठा और ऑमलेट जरूर ट्राई करना। कैसा था पराठा? पर पराठा तो मैंने खाया है। ठीक है, अब चल के जा रहे हो लद्दाख? कहाँ से? मनाली। मनाली से लद्दाख चल के? वाह यार, अच्छा है। वो भी है, बढ़िया यार। कितना दिन लगेगा आपको चले जाने के लिए? ओके ओके ओके, नाइस नाइस। स्टे सेफ, ओके, बेस्ट ऑफ लक। क्या गया, क्या गया? रात से हो आप यहाँ पे? हम रात से हो यहाँ पे? अरे रे, अरे यार। और मैंने गाइस ऐसा सुना है कि रात को इधर -20 डिग्री था। एंड यू गाइस मस्ट बी वंडरिंग दैट अभी मैं कौन से घाट पे हूँ। ये है तांगलांग ला पास। वैसे तांगलांग ला पास ऊपर है, अभी तो हम और चढ़ रहे हैं। और कल रात को तो भाई हमने चांगला पास कर दिया रात में। नीचे उतरने के बाद हमारे दोस्तों ने कहा कि वो चांगला पास था, खूब चांगला। जस्ट अभी एक छोटा सा टॉर्नेडो बन के गया। इतना हुआ मैं तांगलांग ला पास। ब्रेथलेसनेस फील हो रहा है मुझे। अभी मैं हूँ 17,580 फीट पे तांगलांग ला पास और बहुत ही आगे हालत तगड़ी होने वाली है क्योंकि आगे स्नोफॉल एंड ऑल बहुत कुछ हो रहा है। सोच ही रहोगे कि मैंने हेलमेट क्यों नहीं उतारा क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंडी हवा चल रही थी, अभी नहीं चल रही है। ब्लॉग शुरू होते ही ब्लॉग ठंडी हवा नहीं चल रही है। वहाँ पे बहुत बाइकर्स खड़े हैं। ऐसा सोचता है कि आज मनाली तो होने नहीं वाला है। हो रहे 17,000 फीट पे आके कुछ दिक्कत नहीं हो रही आपको? तो ये देसी घी का नतीजा। आंटी जी आपको ये देसी घी का नतीजा है भाई। तो सबको बाय बोल के अभी आगे आ गया। मैं ज़्यादा देर तक और रुक नहीं सकता। चमाइला ये देखो, चला रहे हो साइकिल? Or foreigner? All right. Where are you from? Russia. Russia. You are paddling from where? From Delhi, across Spiti Valley. Spiti Valley. Yes, across. Since how long you are paddling? How long? 1 month. 1 month? Yes. Yes. That's crazy, bro. That's crazy. Then India, कैसा लगा? All right. All good. You're all good. चलो जय हिंद. Say Jai Hind. Jai Hind. Yeah, Jai Hind. What's your next destination? You know, I want after go to Pakistan. Pakistan, you're going to Pakistan? Yes. You are doing world ride on cycle? Yes, on cycle. After Pakistan, go to Iran, Armenia, Georgia, maybe Azerbaijan. Oh, you have YouTube channel? No, no. You're doing world ride on cycle? That's crazy, bro. Oh, God bless you, my brother. Russia. Left 20 May. May. Yes, 21 May I start from Delhi. 1 May you started from Delhi. Oh, yeah. So you are starting from India. Yes. Yes. Bharat Mata ki jai. Nice. Start India and Russia. Oh wow, yeah. Because India not India border closed for visa tourists. Yeah, yeah. Only air. You know Hindi? Thora, thora. All right, all right. French, English. Russia. French, English. Russia. Bye. Good luck. बाय बाय. अलग ही बंदे होते हैं भाई ये फॉरेनर यार. साइकिल से ही वर्ल्ड राइड कर रहा है. कहाँ जा रहे थे फजल? बंदा ना साइकिल पे वर्ल्ड राइड कर रहा था. तुम करोगे क्या अगर तुमको 1 करोड़ रुपया देगा तो? और जान चली गई तो? टारगेट भी है ना, रिकॉर्ड भी है. रिकॉर्ड बनते बंदे खुद रिकॉर्ड हो जाएगा तो शहीद हो गए. रास्ते की क्वालिटी देख रहे हो गाइस. स्टैंड पे लगाया था, खड्डे में घुस गया, इसलिए यहाँ पे इतना ऑफ रोड होता है. तो 2 रास्ते जाते ऊपर जाने के लिए अपन इधर से जाते हैं. वी आर एट 22 घाटा लूप्स गाइस. और टू बी ऑनेस्ट आज जो हम एडवेंचर आज जो ऑफ रोड हो रहा है ना वो सबसे टफ ऑफ रोड हो रहा है पूरे राइड का. तो मैंने ऐसा सुना था कि लेह से मनाली का जो रास्ता है वो बहुत ही टफ है. पेट्रोल पंप तक नहीं है बीच में. तो या अगर आप सोच रहे हो तो भाई संभाल के एकदम फ्रेश होके निकलना. एक्स्ट्रा पेट्रोल अपने साथ रखना क्योंकि 22 घाटा लूप्स में कभी कभी -डिग्री में भी ठंडी पड़ जाती है. सो या और एक रास्ता देखो, जीप जा रही है. अरे यार उधर से जा सकते थे अपन. 22 घाट अपने को पार करने. अब तक तो सिर्फ 2 ही हुआ है. और तुम लोग बोल रहे थे कि 1 दिन में तुम मना नहीं करोगे. अरे हाँ. भाई बघ ना आजूपर्यंत आपण काय केलंच नाहीये. कुछ सुरू ही नहीं किया अपन ने. देख ना अभी ये तो भाई ये देख पूरा वो मदरबोर्ड लग रहा है. तो पूरा देख ना अब तक तो घाटा लूप्स आया ही नहीं है. पहली बात नज़ारे और एक तरफ ये पोल्यूशन. सीरियसली यार आरटीओ वाले कसम से इसका रुका अभी नोट डाउन करता हूँ. ओ तेरी अरे रे. अगर कोई आरटीओ से देख रहा है तो ये नंबर नोट कर देना. इसकी बराबर कंप्लेंट करना. पोल्यूशन फैला रहा है. तो कुछ इस तरीके से मैं मेरी बैक अभी स्ट्रेच कर रहा हूँ. बहुत ही पेन हो गया है पीछे मेरे बाइक चलाते चलाते. तो सच में सच कहूँ कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है राइड करके. और या जैसे कि पीछे मेरा नज़ारा देख ही सकते हो और मेरा हाल देख ही सकते हो. हाल बेहाल हो गया है. आज 1 दिन में हम मनाली करने वाले थे पर मनाली हो नहीं पाया. सरचू रुक रहे हैं. और या शिव बाय. ये लोग हमने अभी ब्रेक ले लिया है सरचू में. और आपको देखना है हम कहाँ रुके हैं. आप भी बताओ, आप भी बताओ. आ जाओ. तो ये है अंकल जी का होटल. बताओ आपका होटल आया है कस्टमर रुकने के लिए. हाँ बताओ ना होटल बताओ ना. जाने बोला ये सरचू में मैं चंबा ढाबा से बोल रहा हूँ. हाँ वो चंबा वो पता क्या रूम बताओ हमारे व्यूअर्स को. ये है हमारा कस्टमर के लिए रूम बना हुआ है. तो कुछ इस तरीके से आज हम रुकेंगे. और वो भी आपको पता है कितना 200 रुपए पर पर्सन. राइट. अब इतना प्रमोशन करते है तो फुकट में दे दो. फुकट निकाल. सब लोग ऐसा मजदूर लग रहा है. बीआरओ वाला बीआरओ के मजदूर लग रहे हैं सब यहाँ पे. पगार दे दो. कितना पगार चाहिए? पगार दे दो 200 रुपया. तुम्हारा पगार कितना? हाँ 500. तुम्हारा कितना बा? 2000. 2000. अभी हमने बुक कर लिया है टेंट, जैसे कि आपको पहले पता ही था, पर हम ना यहाँ पे खाना हम बोलने ही हो रहा नहीं है यार। तो हम तो यहाँ पे अंडा भुर्जी अपने अंकुर भाई बना रहे हैं एकदम अच्छी तरीके से, और यहाँ पे फुल ऑन वाइब चल रही है। क्या हो गया? या आई कैन सी यू ब्रो। भुर्जी का केक कट हो रहा है, फुल ऑन वाइब चल रही है। क्या मैंने बनाया है अंकुश भाई फुल ऑन शेफ बने हैं। रोटी भी मस्त गरम गरम मिली है।